गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका अपने चैनल हैप्पीनेस ऑलवेज में। तो ये हमारा संडे की क्लिप है। इस संडे को काम चल रहा था और बच्चों को देख रहे हो आप, बहुत मस्त रहते हैं। खेत खाली था, देखो कैसे आराम से बैठा है, पानी मंगवा रहा है अपने बड़े भाई से और जेसीपी रखी है, जेसीपी से खेल रहा है। तो मैंने भी बोला चलो खेलने दो, क्योंकि हर चीज़ का इंजॉयमेंट लेना चाहिए और यही उनका बचपन है, यही इनसे छीन लिया जाएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, चलो थोड़ी देर खेल लेंगे फिर मैं नहला दूँगी। तो बस यही था, संडे बहुत बिजी था मेरा क्योंकि यही काम चल रहा था घर में थोड़ा बहुत। और ये हमारे आसपास का एरिया और ये मेरे बच्चे खेतों में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका अपने चैनल हैप्पीनेस ऑलवेज में। और मैं आ गई हूँ यहाँ रूम पे, अपने ससुराल में थी तो अब रूम पे आ गई हूँ। और मैंने अभी आपको जो आगे क्लिप दिखाई वो थी संडे की क्लिप थी। संडे को हमारे उधर वहाँ कुछ काम हुआ था ना ससुराल में, तो वो वहाँ की क्लिप थी। और बहुत बिजी रहा मेरा 2-3 दिन, संडे को वो ही काम हो गया था। हमने मतलब बाउंड्री के पीछे थोड़ा जो डॉल होती है ना खेत की, तो वहाँ पक्का करवाया था क्योंकि घास वगैरह सब ना फिर सीलन वैसे मतलब दीवार की सीमेंट झड़ रही थी, तो वहाँ करवाया था। और अपने अपने मतलब घर के बरामदे के पीछे जो गैलरी होती है ना वहाँ भी सीमेंट करवाया था क्योंकि वहाँ पानी अटकता था। तो बहुत काम हो गया था। उसके बाद फिर आपको पता ही है मेरा मतलब घर बड़ा है ससुराल का, तो बरामदा धुला, अगले दिन ऊपर का बरामदा धुला, बहुत काम हो गया था तो व्लॉगिंग नहीं कर। और थोड़ा मूड भी ऑफ था क्योंकि आप जैसा आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मेरी फ्रेंड है व्लॉगर शिल्पी, तो उनके चैनल डिसेबल हो मतलब सस्पेंड कर दिया YT ने, तो इस वजह से थोड़ा दिमाग मतलब वैसा भी था, मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। और अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, भगवान करे उनके साथ सब अच्छा हो, उनका चैनल वापस आ जाए, जितना हो सकेगा हम उनकी हेल्प करेंगे। तो इस वजह से व्लॉगिंग मैंने की भी नहीं। और फिर आज है वेडनेस ना थर्सडे है, आज थर्सडे है, तो आज मैं व्लॉग मैंने कहा स्टार्ट कर देती हूँ मैं। और आपको दिखाना चाह रही थी कुछ, तो आपको ये दिखाना चाह रही थी, देखो किचन बिल्कुल खाली है। कहाँ गया मेरा सामान, तो दिखाती हूँ। ये देखिए सामान यहाँ है, सामान यहाँ एडजस्ट हो रखा है, इसके नीचे है, कुछ यहाँ है। तो किचन में कुछ काम होना है तो इस वजह से सामान अंदर लाया है। और अभी मेरा बैग भी अनपैक नहीं किया मैंने क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमें जाना है 1-2 दिन में, दिवाली है जैसा आप लोगों को पता ही है कि दिवाली है तो जाना ही है 1-2 दिन में, इसलिए मैंने बैग भी अनपैक नहीं किया क्योंकि क्या फ़ायदा इससे निकालूंगी। वैसे बैग में कुछ है नहीं, बहुत सामान रहता है क्योंकि कपड़े वहाँ के वहीं रहते हैं, यहाँ के यहीं रहते हैं। बताना आप लोग कैसे हो। और चलो मिलती हूँ। हो गया झाड़ू पोछा, हो गया मेरा रूम के अंदर, किचन में बाहर झाड़ू लग गई है। और ये भी चले गए हैं ड्यूटी, बच्चे भी एक सो रहा है एक उठ रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। हमारी तो दिवाली नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे घर में मेरे ससुर जी की डेथ हुई है, छोटे ससुर जी, तो हमारे यहाँ 1 साल तक कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, कोई भी त्यौहार हो कोई भी ओकेज़न हो तो सेलिब्रेशन नहीं करते, तो इस वजह से हमारी दिवाली नहीं है। तो हम शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और मतलब ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि इंसान आता है तो कितनी खुशियां हम करते हैं, तो जब इंसान जाए तो उसके लिए भी थोड़ा गम तो होना ही चाहिए। और इसलिए 1 साल तक कुछ नहीं करते हैं मेरे ससुराल में। वैसे मायके में भी है, ससुराल में भी है, मतलब हमारे यहाँ पहाड़ में ये रिवाज है कि 1 साल तक, या कोई 1 साल तक करता है, कोई 6 महीने तक करता है, और कोई ऐसा भी है कि 13वीं के दिन भी कंप्लीट कर देता है। जैसे किसी की फैमिली दूर रहती हो, कोई ड्यूटी वाला है, मतलब वैसे तो ड्यूटी वाले सभी हैं बट कोई जैसा नहीं कर पाए परहेज वगैरह, तो 13वीं के दिन भी कंप्लीट कर देते हैं और 6 महीने बाद भी करते हैं और 1 साल बाद भी करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ 1 साल का रखा है और फरवरी में शायद काम कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा मंदिर जाना सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा,
तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कोई त्यौहार कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब शुभ कार्य। तो इसलिए हमारी दिवाली नहीं है। और आप लोग बताना कि आप लोगों की दिवाली की शॉपिंग कैसी चल रही है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दीवान के अंदर कपड़े देख रही थी, बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने थे, ढूंढ रही थी कपड़े क्योंकि मेरे अक्सर इसी में ही रहते हैं, बट मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला मिला बट बच्चों के कपड़े नहीं मिले इसके अंदर। फिर मैं बाहर दीवान में देखने लगी थी, तो बाहर बेड में मुझे दो बैग मिल गए थे जिसमें बच्चों के कपड़े थे, और मैंने अब ये रख लिए थे फिर बाहर में, क्योंकि अब सर्दियां तो आ ही चुकी हैं तो इनर तो मैं पहनाने लगी हूँ, बट जैसे हाफ स्वेटर होती है, स्वेटर होती हैं, तो वो भी मैं निकाल रही थी और धूप दिखा रही थी क्योंकि अब ज़रूरत तो है ही कपड़ों की। और चेयर के ही ऊपर मैंने डाल दिए थे क्योंकि चटाई बिछा के नीचे डालती ना, लेकिन यही था कि काम स्टार्ट हो रहा है तो धूल वगैरह होगी, तो चेयर तो ऐसे उठा के ले आओ, तो इसलिए मैंने धूप में बाहर ही डाल दिए थे। और आ गई थी फ्रेंड मैं यहाँ पे नहा के, बस वही अपना वो क्रीम वगैरह लगा रही थी, और अब मैं ना ट्राई करती हूँ सीरम और टोनर ज़रूर यूज़ करूँ, और फ़र्क भी पड़ रहा है फेस पे, मेरे काफ़ी दाने निकल रहे थे तो अब ठीक है, तो वहीं पे बिंदी मंगाऊंगा। इसके बाद बच्चे की मीटिंग थी, पीटीएम थी, और इसके बाद फिर ये काम वाले भी आ ही गए थे, उन्होंने कर दिया था अपना काम स्टार्ट, बस दिन ऐसे ही गया। तो फ्रेंड्स, ये हो रखी है घर की हालत। मैंने कहा था ना आपसे किचन का काम हो रहा है, तो यहाँ ना गैस उसका जाता था, सब्जी वगैरह का ये लग गया, और नीचे ये लगा है, ये पार्टीशन किया है, देखो कूड़ा से साफ करती हूँ, और एक ये लगवाया है चम्मच वगैरह और करछी वगैरह के लिए, और ये पार्टीशन कराया है ये। अभी ये फ्रेम लगेंगे बट ये अब दिवाली के बाद काम होगा क्योंकि सबकी दिवाली है, कल से धनतेरस है, तो ये अभी फ़िलहाल यही लगाए हैं, और यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।